पहले जेल्लै अस बनान लगे हे मूर्तियां ओल्लै सानू चज्ज नहीं है हे ते जेल्लै अस बनांदे हे ते किश टुटी जांदियां हां ते किश इ'यां गै खराब होई जांदियां। अब ये देखो इस धागे से जो एक्सेस है ना सारा वो निकाल लेंगे सारी मिट्टी। बिल्कुल ये सारा देसी काम हो रहा है लोकल। कुछ जैसे रेड ब्लू मिक्स करके डिफरेंट कलर्स बनाए हैं जिससे रेड कलर ना हम बीट रूट से ले सकते हैं। बीट रूट से रेड कलर चुकंदर से जैसे आप हल्दी का येलो हो जाता है, हल्दी का रंग चढ़ाते हैं क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है। हमने आपको पहले कहा केमिकल फ्री, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं यूज करेंगे। ये कच्ची हल्दी यूज करके ना आप इनमें डिफरेंट देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल नॉर्मल है और ये दूसरा कच्ची हल्दी थोड़ी सी यूज की हुई है। अब ये सांचे में आंटी जो है वो सरसों का तेल लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? ताकि ये जो मोल्ड है, मिट्टी है, ये आसानी से बाहर आ जाए। और अभी आंटी ने ये वाले गणेशा बना रहे हैं ये गीली मिट्टी लेके। अहीं बड़ा चंगा लगता है भगवान की मूर्ति बनाई है और एक इं है कि साड़ा टाइम भी पास हो जाता और सानू काम भी लभी जाता है। और ये इतना केयरफुल रहना पड़ता ना इस प्रोसेस में कि क्योंकि गीली मिट्टी होती है बार बार टूटती है। तो आंटी को बिल्कुल अब ये हम देखेंगे, ये आप देखिए ये शेप आई है। आज मैं आप सबको लेके आई हूँ पुरखू के गाँव गढ़ी में। और यहाँ पे घर पे कुछ लेडीज घरेलू औरतें जो होती हैं वो गणेश भगवान जी की मूर्ति बनाती हैं। आपको वैसे क्लोजअप में देखो इस मूर्ति में कुछ कुछ डिफरेंस दिख रहे होंगे। जी हाँ, जो कि ये पीओपी से तो बिल्कुल भी नहीं बनी है, ये बनती है मिट्टी से। और यहाँ पे ना गांव की औरतें बनाती हैं। और आप कलर्स पे भी फोकस करोगे आपको जो बाकी दूसरे बाजारी कलर्स होते हैं केमिकल्स वाले उनसे ये काफ़ी डिफरेंट लगेंगे। तो आज मैं आपको सारा इसका प्रोसेस बताऊंगी, इसकी मेकिंग बताऊंगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गांव की एक लेडी मौजूद हैं तो जो ये बनाएंगी हमें प्रोसेस दिखाएंगी। तो आंटी सबसे पहले तो आप छोटी बनाओगे? ये वाली बनाऊंगी, बड़ी वाली। ठीक है, बड़ी वाली। अब ये सांचे में आंटी जो है वो सरसों का तेल लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? ताकि ये जो मोल्ड है, मिट्टी है, ये आसानी से बाहर आ जाए। और अभी आंटी ने ये वाले गणेशा बना रहे हैं ये गीली मिट्टी लेके। उसको ना क्ले टाइप में, क्ले का मोल्ड कर दिया हुआ है। अब आप ये प्रोसेस देखते जाओ कि आज ये बनता कैसे है। और बिल्कुल इको फ्रेंडली, कोई केमिकल कहीं पे कोई कुछ नहीं यूज हो रहा। और ये इसको मोल्ड में डाल के अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। आंटी ने इसको मिट्टी को, जो गीली मिट्टी है, इसको प्रेस कर दिया है। इसको थोड़ा सा दबा रहे हैं ऊपर से। अब इसके ऊपर और जाएगी ताकि अच्छी सी प्रॉपर सी शेप आ जाए। और आंटी ने एक्स्ट्रा मिट्टी इसके ऊपर इसलिए डाली है कि वो अच्छी तरह शेप में आ जाए, पीछे से भी जो इसका बेस है वो मजबूत हो। और अच्छी नहीं कि कोई कंजूसी की हुई है मिट्टी में भी, अच्छी तरह उसको प्रेस कर करके भर भर के डाला हुआ है। और साथ ही साथ ये निकल आएगी बाहर, उसके बाद इसकी शेपिंग होगी। अब जो एक्सेस है वो निकाल देंगे बाहर। अब ये देखो ये इस धागे से जो एक्सेस है ना सारा वो निकाल लेंगे सारी मिट्टी। बिल्कुल ये सारा देसी काम हो रहा है लोकल। धागे से इन्होंने इजीली एक्सेस निकाल लिया है, ये बाहर आ गया। अब इसको और थोड़ी सी शेपिंग देंगे, प्रेस करेंगे। और पानी लगा के इसकी जो सरफेस है, इसका जो बेस है, बिल्कुल उसको फ्लैट किया जा रहा है। और अब साथ ही ये निकाल भी लेंगे। अब आप देखिए, और ये इतना केयरफुल रहना पड़ता है ना इस प्रोसेस में कि क्योंकि गीली मिट्टी होती है बार बार टूटती है। तो आंटी को बिल्कुल अब ये हम देखेंगे, ये आप देखिए ये शेप आई है। अब इसके आगे का प्रोसेस, अब थोड़ी सी इन्होंने अपने हाथों से या नाइफ वगैरह थोड़ी सी शेपिंग करेंगे। और जहाँ जहाँ भी कोई भी सुराख या छेद रह गया है तो उन्होंने पानी और मिट्टी वहाँ पे फिल कर दिया। अब बिल्कुल ये शेपिंग आ रही है प्रॉपर कटर के साथ। और ये मूर्ति सूखने में
हफ्ता भी लगा देती है अगर मौसम पे डिपेंड हो। अब देखो बिल्कुल बारीकी से काम हो रहा है, ये गीली मिट्टी सिर्फ मिट्टी है, कोई केमिकल इसमें कुछ यूज नहीं हुआ हुआ, मिट्टी को ही छांट के आगे बिल्कुल उसके कंकर छोटे छोटे जो भी चीज़ें होती हैं एक्सेस निकाल के उसके बाद सारी ये प्रोसेसिंग होती है। अब जो है आंटी इसको कटर से शेप दे रहे हैं, बेस दे रहे हैं, ताकि जो हमारे गणेशा रेडी हुए हैं वो प्रॉपर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं कि वो सरफेस पे खड़े हो सकें, तो वो अब कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस मुझे ये लग रहा है, और मेन पॉइंट हमारा वीडियो को आपको दिखाने का यही है कि ये इको फ्रेंडली है सब कुछ, ये जितने भी बने हुए हैं सब मिट्टी से ही बने हुए हैं, कोई केमिकल्स या कुछ भी एक्सेस चीज़ इसमें यूज़ नहीं हुई हुई है। अभी आप देखिए प्रॉपर एग्जैक्ट शेप आ गई है, अब आप देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी खड़ा करके बताएंगे, अभी गीला है थोड़ा केयरफुल, हाँ ध्यान से, और ये हो गए हमारे गणेशा रेडी। हाँ, और ये देखिए ये लास्ट फाइनल लुक है, फिनिशिंग हो रही है थोड़ी सी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गांव की लेडीज़ बना रही है, गांव की औरतें ये काम कर रही हैं, कितने खुश होके खुद आगे से इनिशिएटिव किसने लिया है या इसके पीछे का हाथ कहानी क्या है, हम खुद रजत से बात करते हैं। बकलोल टीवी, तो पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, मैं तो बकलोल टीवी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वेलकम। हाँ, क्योंकि आपने ही, जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं हम तो यहाँ बना रहे हैं, बट जो मीडिया है वही एक माध्यम होता है कि दूर दूर तक लोगों को पता चलती है चीज़। और ये इनिशिएटिव हमें खुद अच्छा लगा, और हम भी चाहते हैं कि ये सब तक बात जाए कि ये चीज़ भी बनती है, मिट्टी से भी बन सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी से बनाने का कारण ही यही है कि हमारा जो जस्ट जम्मू में भी गणेश चतुर्थी पे अब बहुत लोग जो हैं गणपति अपने घर पे विराजमान करते हैं, है ना। तो हमने सोचा कि आप पीओपी जो आइडल्स वो कर रहे हैं जिसमें विसर्जन के टाइम जो वो पानी में उनको विसर्जन करते हैं जब, तो वो इक्वेटिक लाइफ को बहुत ख़राब करता है, तो वही हमने इक्वेटिक लाइफ ख़राब ना हो तो उसी के लिए हमने इको फ्रेंडली गणेशा लाए हैं। तो ये आइडिया आया कहाँ से, जैसे मैं दिशा फाउंडेशन का भी वॉलंटियर हूँ, तो हम जैसे जब कैंपेन करते थे तो वहाँ पे हम लोगों से कहते थे कि आप पीओपी के आइडल्स ना लें या ऐसे विसर्जन करें, अब श्रद्धा है उनकी मानते हैं, पर हमने बोला आप मिट्टी से आप कर सकते हैं इस्तेमाल, तो बोलते ठीक है पर है कहाँ, है कहाँ, मतलब उन्होंने आपको ही सवाल खड़ा कर दिया कि है कहाँ। आप तो मना कर रहे हैं कि आप ऐसे इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करो, ये प्लास्टिक या पीओपी नहीं यूज़ करो, पर उन्होंने कहा कि आप ही सॉल्यूशन दो फिर कोई। तब हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम ही एक चीज़ स्टार्ट करें जिसमें हम इको फ्रेंडली गणेशा बना दें। तो ये मेरा स्टार्टअप है एक, जैसे समस्त इको अल्टरनेटिव्स, तो उसमें हम डिफरेंट, जैसे ये मिट्टी के गणेशा बनाते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, काउडंग से भी बनाते हैं और जो मंदिरों के फूल होते हैं उनसे भी हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि जो बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं और एनवायरनमेंट को कोई भी पोल्यूट नहीं करते उनमें से कोई भी प्रोडक्ट। अच्छा, ये जैसे आपने कहा हमें भी पता है ये मिट्टी से बने, तो ये मिट्टी का प्रोसेस क्या, मिट्टी आती कहाँ से है? देखिए अब ये चिकनी मिट्टी से बनते हैं, तो चिकनी मिट्टी इजीली अवेलेबल नहीं रहती है, और जब से आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे तो और मुश्किल हो गया है चिकनी मिट्टी का। तो हम ये जैसे अब गांव में आए हैं इधर, तो हम यहाँ से ही कलेक्ट करते हैं, जो ईंट के भट्ठे होते हैं वहाँ से कर सकते हैं, या जो लोकल हैं जिनके पास रहती है चिकनी मिट्टी तो वहाँ से हम आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होती कि पहले पता करना पड़ता है कि चिकनी मिट्टी अवेलेबल है कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही परेशानी होती है इसमें, तो बिकॉज एक जगह आप एक लोकेशन से ले लेते हो तो नेक्स्ट टाइम वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, तो ये डिफरेंट लोकेशन पे हमें जाना पड़ता है। अच्छा रजत, अब आंटी ने जो है ये सांचा खड़ा कर दिया है जो अभी गिल्ला बिल्कुल रिसेंट निकला है, तो इसके बाद इसका प्रोसेस आगे क्या है, कैसा दिखेगा? अब देखो जैसे ये गीले हैं अभी, अब मौसम जैसे थोड़ा भी बरसात है तो ये बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है इनमें, 5 हफ्ता भी लग सकता है। तो जैसे धूप, जम्मू में जो तेज़ धूप है उसमें ये 1-2 दिन में सूख जाते हैं, पर ये सूख के ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे ये आप देख सकते हैं ये थोड़े ड्राई हो गए हैं ये, तो जिससे थोड़े सॉलिड हो जाते हैं, आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो ये सूखने के बाद हम इसमें हल्दी, कच्ची हल्दी रहती है, नॉर्मल नहीं, कच्ची हल्दी का रंग चढ़ाते हैं क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है। हमने आपको पहले कहा केमिकल फ्री, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं यूज़ करेंगे, ये कच्ची हल्दी यूज़ करके ना आप इनमें डिफरेंट देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल नॉर्मल है और ये दूसरा कच्ची हल्दी थोड़ी सी यूज़ की हुई है, ठीक है। ये कच्ची हल्दी हमने यूज़ की है, अब जैसे हमने कच्ची हल्दी पहले यूज़ की तो लोगों की डिमांड आती है कि आप थोड़ा सा इसे डेकोरेशन भी कर, थोड़ा तो हमें दिखे कलर अच्छे लगे, तो हमने ये जो गणेशा, ये डिफरेंट साइजेस के गणेशा हैं हमारे पास, तो ये बनाए हैं हमने। अच्छा रजत, इसमें तो जैसे आपने खुद ही कहा कि आर्टिफिशियल कलर्स यूज नहीं है, तो मुझे तो पता है आपने क्या यूज किया, एक बार आप सबको खुद बता दें कि कलर्स कौन से यूज किए हैं। देखिए हमने इसमें फूड कलर्स यूज किए हैं, फूड कलर्स हमारे डिफरेंट आते हैं,
तो वो हमने यूज़ किए, जैसे कुछ जैसे रेड ब्लू मिक्स करके डिफरेंट कलर्स बनाए हैं, जिससे रेड कलर ना हम बीट रूट से ले सकते हैं, बीट रूट से रेड कलर, चुकंदर से, जैसे आप हल्दी का येलो हो जाता है, एक तो उसको गाढ़ा करेंगे तो उसकी डिफरेंट शेड आएगी, पानी डाल देंगे थोड़ी लाइट शेड्स आ जाती हैं, तो डिफरेंट शेड्स हम उससे कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल ये एक नेचुरल है, जब विसर्जन हो तो एक्वेटिक लाइफ को कोई नुकसान ना हो। और जैसे मैं तो लोगों को ये भी कहता हूँ कि आप अपने घर में ही इसे विसर्जन करें, घर पे ही जब वो विसर्जन करते हैं तो जो लिक्विड होता है वो आप पेड़ों को दीजिए, पौधों को दीजिए, जिससे उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। बिकॉज हम जैसे ये भारी होती हैं काफ़ी ना, मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं, तो हमने इसमें किसी में गोबर भी मिक्स करते हैं, काव डंग का यूज़ करते हैं, उसका पाउडर और मिट्टी को मिक्स करके, जो वो थोड़ा लाइट वेट हो जाती है और रहती वो इको फ्रेंडली ही है। यही अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी इको फ्रेंडली गणेश आप घर पे भी बना सकते हैं। अच्छा रजत, ये क्या कॉस्ट पड़ जाती है, मतलब आप जो मिट्टी किस हिसाब से लेते हो? जी जैसे हम मिट्टी है, डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग तरीके की मिट्टी मिलती है। अब आप कहीं से कच्ची मिट्टी उठाएंगे जिसे आपको पूरा प्रोसेस करके चीज़ करना पड़ता है, तो वो थोड़ा आपको सस्ती पड़ जाती है। पर जो महंगी मिट्टी है, आप जैसे 100 रुपये की भी इतनी सी आती है, इतनी सी मिट्टी 100 रुपये की, 100 रुपये की। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को भी लग रहा होगा कि ये कि महंगी है, महंगी क्यों है ये, बट आपको पता है काफी लोग ये सोचेंगे बनाया तो मिट्टी से, ये कोई भी बना सकता है, वो बात नहीं है। ये देखिए जैसे आपको ये मिट्टी दिख रही है, ये सॉफ्ट, आपको कहीं भी ऐसे इतनी सॉफ्ट मिट्टी नहीं दिखती है, इसमें कहीं भी इसमें आपको छोटा सा भी कंकर नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, और इसे पानी से गूंद गूंद के ऐसा करना पड़ता है, तो इसमें बहुत मतलब प्रोसेस है इसका भी, ऐसे इजीली नहीं ये बनता है। और जो हम कावडंग भी इसमें डालते हैं वो भी प्रोसेस होके फिर डलता है, आप सीधे नेचुरली उठा के उसे नहीं यूज कर सकते हैं। अभी इन मूर्तियों की कॉस्ट जैसे ये अभी हम जैसे गणेश चतुर्थी का टाइम है, तो ये हम छोटे से जो पीस हैं ये वाले, ये हम 300 का करते हैं सेल। अब इसमें और ये जो बड़े हैं ये 800 तक हो जाते हैं, 800 हाँ ये 800 के हैं। ये अभी इनमें आपको दिख रहे होंगे सिंपल है, अभी इसमें पूरे इनके जैसे आँखें सब, ये जैसे ये डेकोरेट हुए हैं ये भी वैसे ही डेकोरेशन होके हम इसमें मार्केट में अवेलेबल करते हैं। जो 800 आपने बोला कि आपको ये बड़ी वाली मूर्ति की आप सेल कर रहे हो, तो इसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन डाल के, मिट्टी की कॉस्ट डाल के, कलर्स वगैरह, लेबर सब ऐड करके आपको क्या बचता है पीछे? जैसे ये हमें पड़ जाती, जो हम 800 की दे रहे हैं, हमें लगभग 500 के अराउंड ये पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें बनाने का खर्चा आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, जहाँ हमने इनको सेल आउट करना होता है वहाँ पे, स्टॉल जो इंस्टॉल करना होता है वहाँ पे, जो पूरा दिन वहाँ पे रहेगा उसको, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन में कितनी मूर्तियाँ टूट भी जाती हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो उधर वहाँ रहता है, तो वो सब मिला के हमें इतना खर्चा पड़ जाता है कि जो बाद में जो हमारा बचता है तो इतना मार्जिन है हमारा। जैसे कि गांव की औरतें बना रही हैं तो उनका भी कुछ बेनिफिट तो होता ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इन्होंने ये बना रहे हैं, ये छोटे वाले बना रहे हैं, तो इसका प्राइसिंग जैसे इसके ज्यादा होता है तो इसके उससे कम प्राइजेस रहते हैं हमारे इसमें, तो इनको क्या बेनिफिट होता है, एक तो इनकी हम रोजगार दे रहे हैं, जैसे ये नहीं है कि अब गणेश चतुर्थी आया तो हमने बस इनसे गणेश बनाए तो खत्म, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते ही रहेंगे ऑल द ईयर राउंड, हम इन्हें काम देते रहते हैं। आपका ये है कि जो भी आपने बनाना है केमिकल फ्री, क्रुएल्टी फ्री, लोगों का जो रिस्पांस है वो भी काफी अच्छा आया है, इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज हम जैसे हम पिछली बार किया था छोटे थे, अब किया तो थोड़े और बड़े गणपति लाए हमने, तो वही एक साइज, वो भी कहते हैं ना जो जो उनकी डिमांड रहती है, हम जो हमसे पूरी हो सके हम वो पूरी करते हैं। और जैसे जो लेडीज़ हैं यहाँ की, उनको भी नई नई चीज़, अब जैसे हमने ये सिखाया है उन्हें एक स्किल बढ़ गई उनकी कि हाँ वो ये बना सकते हैं, तो एक तो उनको स्किल भी बढ़ जाती है, तो जैसे जैसे हमारा भी जब बढ़ेगा कारोबार की, जैसे हम और भी करेंगे तो इनको भी हम ज़्यादा ज़्यादा कुछ बेनिफिट जो पर्क्स हैं वो मिलते रहेंगे इन्हें भी साथ। तो अच्छा रजत, आप जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है तो जिसने ये गणेशास लेनी है, चाहे साइजेस जो भी अवेलेबल हैं, तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें, कहाँ से ले सकते हैं? हाँ, एक तो मेरा जो व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट है या इंस्टाग्राम है, उससे ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9419209825, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको गणेशा होम डिलीवरी हो जाएगी आपको, ठीक है। और इको समस्त, ECOSAMAST, इको समस्त करके हमारा इंस्टा पेज है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और 25 से लेकर 31 तक, 25th to 31st तक हमारा एक बख्शी नगर में, और बख्शी नगर जो राजपुरा चौक है वहाँ पे हमारा स्टॉल लगेगा, और त्रिकुटा नगर में जो केनाल के पास बीकानेर स्वीट्स है उसके ऑपोजिट हमारा स्टॉल लग जाएगा, आप वहाँ से आके भी परचेज कर सकते हैं। और हमारे साथ कुछ और लेडीज यहाँ पे ज्वाइन हुई हैं, तो दीदी ये भी बनाती हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं कि उनको कैसा लगता है। तो अच्छा दीदी, तुम्हें कन्या लगता कि भगवान की मूर्ति बनाइए?
असें बड़ा चंगा लगता है भगवान की मूर्ति बनाई है और एक इं है कि साढ़ा टाइम भी पास हो जाता और सानू काम भी लभी जाता है काम भी लभी मतलब रोजगार तो होता ना किश ना किश तो आता ना घर बैठे चाहे मूर्ति बनाइए ही आता हाँ जी पहली बारी तुसें कि इन्होंने आख्या कि अस तुहांदे कोले काम कराना तो हथ कंबे या एक दो बारी कोई डांट पे कि ए नहीं ए करो कुछ टुटी फुटिया मूर्तियां पहले किश तोड़िया किश बनाइया फिर थोड़िया शैल बन लग पईयां फिर थोड़िया बनांदे बनांदे और ज़्यादा शैल होई गईयां शैल मतलब किन्ने टाइम च हुण परफेक्ट होईयां बस उन्हें एक तो दो मिनट लगी जाते कि बड़ी पहले 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 कितना टाइम लगता पहले 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 जल्द अस बना लगे हे मूर्तियाँ उल सू चज नहीं हे बिल्कुल जल्द अस बनाते हे तो किश टुटी जाए तो किश इं खराब हो जाए हाँ तो मिगी गल सुनाओ ये जी कलर तो मी पता लगी है फूड कलरिंग यूज हुई है तो बाकी तुम ब्रश करने ये उपर कलर कर दो या पहले मार्क करिए तो बाकी काम कर दो नहीं जिन्ना मतलब ये कलर जेड़े कीते थे ना ये ब्रश करने का कीते थे ना लेकिन ये थोड़े जिन्ना अस बनाने तो फिर इन्हें थोड़ा हाथ करने भी थोड़ा साफ करने तो फिर बाकी थोड़ा ब्रश करने भी साफ करिए तो फिर बनाई लैने होने अब सारे अपने घर में इस गणेश चतुर्थी में इको फ्रेंडली गणेशज लाओ